दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन एफआईआर के बारे में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरा नाम अनुपम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा टेक वर्ल्ड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जैसे आप क्लिक करेंगे आप आ जाएंगे इस पेज पर। यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस खोई हुई वस्तु रिपोर्ट सेवा। ओके, आपकी कोई भी चीज़ खो जाती है, जैसे कि ज़्यादातर लोगों के फ़ोन खो जाते हैं, उनका पर्स चोरी हो गया, या कोई भी आपकी ऐसी वस्तु जो चोरी हो जाती है, तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे आप तुरंत कर सकते हैं। और जितना जल्दी हो सकेगा उत्तर प्रदेश पुलिस कोशिश करेगी आपकी चीज़ को वापस लाने की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको तीन ऑप्शंस दिख जाते हैं, तो यहाँ पे आपको सेकंड नंबर वाले यानी कि न्यू यूजर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे यूजर नेम में आपको अपना नाम लिख देना है, देख सकते हैं मैंने नाम लिख दिया है। देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो भी है वो लिख देना है। देन आपका जो मेल आईडी है वो यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। तो चलिए मैं तीनों चीज़ें जो है भर लेता हूँ। ओके, और उसके बाद में जैसे आप मेल आईडी यहाँ पे डाल देते हैं, देन आपको नीचे ऑप्शन मिल जाता है रजिस्टर का, तो यहाँ पे मैं रजिस्टर पे क्लिक कर देता हूँ। देख सकते हैं तो इस तरीके से आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है और यहाँ पे आप ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाते हैं। फॉल्स रिपोर्ट टू पुलिस विल अट्रैक्ट पैनल एक्शन। ओके ओके, यहाँ पे रजिस्टर लॉस्ट रिपोर्ट और व्यू रजिस्टर्ड रिपोर्ट और फैक्स यानी कि क्वेश्चंस वगैरह दिए गए हैं। ओपन कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं कि ये क्यों डेवलप किया गया है, किस तरीके से वर्क करता है, वो आप अपना पढ़ लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इस बारे में बताऊँगा। तो मुद्दे पर आते हैं और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे वो बताते हैं। रजिस्टर पे आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट एफआईआर जो है दर्ज कराइए। यहाँ पे आपका नाम ऑलरेडी लिखा हुआ होगा, आपके पिता का क्या नाम है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। देन आगे यहाँ पे कंप्लेन एड्रेस लिख देना है। ओके, जहाँ से भी आपका चोरी हुआ हो। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अकरेंस का प्लेस लिखना है। ओके, और उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे अकरेंस क्या होता है, आइए गूगल पे चलते हैं। आई डोंट नो। ओके, आई थिंक जहाँ से आपका आइटम चोरी हुआ हो या फिर आपकी चीज़ वस्तु आपकी चोरी हुई हो उसका एड्रेस होगा आई थिंक। ओके, घटना, हाँ ओके, तो घटना का स्थल क्या था वो यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डाल दीजिए, अपना नियरेस्ट पुलिस स्टेशन डाल दीजिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। मतलब मैं तो एक डेमो भर रहा हूँ, मैं इस फॉर्म को सबमिट नहीं करूँगा फाइनली, तो मैं आपको बता देता हूँ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कुछ भी ले लेते हैं। और यहाँ पे डेट आपको डाल देनी है, किस से किस डेट के बीच में। तो ब्रीफ फैक्ट आपको, अगर मतलब कुछ फैक्ट हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप क्या कर रहे थे, मैं ऐसे बैठा हुआ था और मैंने फ़ोन मेज पे रखा हुआ था और जैसे ही मैं उधर मुड़ा, ऐसा कुछ अगर हो तो वो आप लिख सकते हैं एक कहानी के रूप में। फिर यहाँ पे आर्टिकल क्या था, आधार कार्ड खो गया, बैंक अकाउंट, पासबुक, एडमिट कार्ड, मोबाइल कैमरा, कंप्यूटर, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या आपका खो गया है। ओके, अगर कुछ अदर खो गया है जो कि यहाँ पे आपको नहीं मिला यानी कि इस लिस्ट में नहीं है, तो अदर पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे उसकी डिटेल्स दीजिए। फिर यहाँ पे आपको अगर आपका यूनिक आईडी यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब कुछ खोया है तो उसका नंबर भी यहाँ पे लिया जाएगा। फिर आर्टिकल का डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए कि मैंने अदर और यहाँ पे लिखा एक बॉक्स मेरा चोरी हो गया, अब यहाँ पे आर्टिकल डिस्क्रिप्शन की कैसा बॉक्स था, किस कलर का था, उसका साइज क्या था, वेट क्या था और उसके अंदर क्या था, किस तरीके से देखने में लगता था, और यहाँ पे ऐड मोर आर्टिकल अगर आप चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे लिखने के बाद में। देन यहाँ पे आपको फॉर्म को कर देना है सबमिट। अब यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा एक OTP। ओके, आपको OTP यहाँ पे एंटर कर देना है और इसको कंफर्म कर देना है, बस उसके बाद में एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। फिलहाल के लिए मैं सबमिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए इन पोर्टल्स के साथ में। ओके, तो फाइनली मैं सिर्फ बता रहा था स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप करोगे। अब यहाँ पे व्यू रजिस्टर्ड रिपोर्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो मैंने सबमिट किया है वो यहाँ पे शो करेगा, फिलहाल मैंने कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं किया है। अब दोस्तों बात करते हैं कितनी जल्दी जो है कार्यवाही हो जाएगी। तो दोस्तों कोशिश करती है पुलिस की जितनी जल्दी कर सके वो करेगी, नया पोर्टल अच्छे से वर्क कर रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, अपने सेंटर पर जाके बाहर चिपका दीजिए कि ऑनलाइन FIR यहाँ से करें। लेकिन सिर्फ खोए हुए प्रोडक्ट्स, खोए हुए आइटम्स, आर्टिकल्स, उन्हीं के लिए यहाँ से अप्लाई होगा, लड़ाई मार कारधार यहाँ पे नहीं होगा। ओके तो कांटेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर दिया गया। अगर कोई अदर जानकारी चाहते हैं या फिर कंप्लेन करना चाहते हैं आपकी कार्रवाई नहीं हो रही है, देन आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, अगर मैं आपसे बात करूँ मेरे यूट्यूब चैनल की तो वो तो बिल्कुल गिरता हुआ जा रहा है। कमेंट करके बताइएगा क्या कमी है, मैं रोज़ अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूँ अपने हिसाब से। देख सकते हैं 14 घंटे में सिर्फ 91 लोगों ने देखा,
सो सर कल से मेरा बहुत बुरा हाल है, तो जो भी है मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा, क्विट नहीं करूँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, और क्या प्रॉब्लम है चैनल के साथ में शेयर कीजिएगा। जो भी मेरे परमानेंट यानी कि रेगुलर व्यूअर हैं उनको बहुत 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 धन्यवाद। आई थिंक मेरा नोटिफिकेशन आपके पास नहीं जा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, देख लीजिए कि आपका बेल आइकन प्रेस है या नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट का मुझे रहेगा इंतजार। जय हिंद।